नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बधौलिया। आप हमारी यूट्यूब चैनल एसआर अशोक नगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को देखने के लिए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अशोक नगर शहर की या जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी ज़रूरतों में अशोक नगर का तुलसी सरोवर तालाब भी है। इस तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए उपयोग करने पर लगातार बात चलती रही है और मांग भी होती रही है। अशोक नगर के नवनिर्वाचित विधायक जितपाल सिंह जज्जी ने शुरुआती तौर पर जिन कामों को अपने हाथ में लिया था उनमें तुलसी सरोवर का सौंदर्यीकरण और विकास भी एक महत्वपूर्ण योजना थी। चूँकि वह पूर्व से इस काम से जुड़े रहे हैं और पछार पार्क और तुलसी सरोवर के गहरीकरण में बीते कुछ वर्षों में उन्होंने कार्य किया भी था। कुछ दिन पहले नगरपालिका सीएमओ और दूसरे अधिकारियों के साथ उन्होंने स्थानीय स्तर पर इसमें कुछ काम करने के निर्देश दिए थे। अब इस पूरे तालाब के आसपास एक चौपाटी, इसके अलावा दूसरे कुछ और निर्माण करने के लिए नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों एवं अशोक नगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा के साथ वह नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह से मिले हैं। उनके साथ में आज अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी थे। जितपाल सिंह जज्जी ने बताया कि शुरुआती तौर पर मंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए सहमति दे दी है, साथ ही पहली किस्त के तौर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए सेंशन करने पर भी सहमति जता दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी कुछ महीनों में इसका काम शुरू हो जाएगा और अशोकनगर शहर को एक बड़ा पिकनिक पॉइंट के तौर पर या पूरी तरह से एक बड़ी स्थान के तौर पर तुलसी सरोवर का इलाका मिलेगा। अगर सूत्रों की जानकारी के हिसाब से बात की जाए तो करीब करीब 11 करोड़ रुपये की DPR इसको लेकर बना दी गई है, जिसमें तुलसी सरोवर तालाब के चारों तरफ एक पार बनाई जाएगी जिसको घूमने के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। साथ ही इसमें कुछ लाइटिंग और फव्वारे की भी बात की जा रही है। इसके अलावा एक बोट क्लब का निर्माण भी किया जाना है। मेन रोड जो अभी निर्माणाधीन है उसके सामने एक चौपाटी और तुलसी सरोवर पार्क के पास में एक और पार्क के निर्माण की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे काम जिसमें घाट निर्माण और दूसरे संशोधन भी रखे गए हैं। इस 11 करोड़ में ये सब चीज़ें शामिल हैं। नगरपालिका अपने स्तर पर भी इसमें कुछ काम करने के लिए पहले से ही सैद्धांतिक सहमति जता चुकी है। अशोकनगर शहर की करीब 1 लाख की आबादी को आगामी ग्रीष्मकाल में पानी का एक बड़ा संकट झेलना पड़ सकता है। दरअसल अशोकनगर को पानी देने के लिए अमाई तालाब में जल को रिजर्व किया जाता है, मगर यहाँ खेती के लिए इस पानी का उपयोग करने के कारण आगामी समय में पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। बीते दिनों मीडिया ने इस मामले को लेकर जब उठाया तो जल संसाधन विभाग और नगर पालिका निगम के लोग स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों में जुट गए हैं। दोनों ही दलों के लोग आज अमाई तालाब पर पहुँचे और किसानों को समझाइश दी है कि रिजर्व पानी के साथ छेड़छाड़ न करें और उसको खेती के लिए उपयोग न करें। उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पहले भी नगरपालिका प्रशासन के द्वारा जब ध्यान नहीं दिया गया था तो ऐसे ही पानी की चोरी की गई थी और लगातार हुई चोरी के कारण स्थिति इतनी खराब और भयावह हुई थी कि अशोकनगर शहर जल संकट से त्राहिताही हो गया था और वो स्थिति दोबारा न बन सके इसके लिए अभी से नगरपालिका को अपने उपाय करने होंगे और जल्द ही इस पर कार्यक्रम बनाकर यहाँ के पानी को सुरक्षित करना होगा। आज मीडिया के साथ स्थानीय स्तर के अधिकारी और दूसरे लोग पहुँचे हैं। शुरुआती तौर पर उन्होंने किसानों को समझाइश दी है, साथ ही उनसे कहा है कि अगर उनके बोर और पंप के सामान नहीं उठाए गए तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। बिना गुना रेलखंड की यातायात व्यवस्था को जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बनाती है वो गुना से बिना चलने वाली रेल चलती है। स्थानीय स्तर पर जो लोग इसमें यात्रा करते हैं जिसमें ज़्यादातर डेली चलने वाले लोग हैं जो अपने कामों से गुना तरफ और अशोकनगर से बिना तरफ जाते हैं, इनको इस रेलखंड पर गुना बिना ट्रेन बंद होने के कारण काफ़ी परेशानी होती है। अमूमन हज़ारों लोग प्रतिदिन इससे यात्रा करते हैं। इसमें न केवल किसान, व्यापारी, छात्र और नौकर पेशा लोग होते हैं बल्कि आम लोग भी, चूँकि इस रोड पर किसी भी तरह की बड़ी बस सुविधा न होने के कारण इसी ट्रेन पर निर्भर रहती हैं। मगर बीते कुछ माह से यह ट्रेन लगातार स्थगित होती रहती है या बिना बताए इसका बंद हो जाना लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। बताया जा रहा है कि गुना बिना रेलखंड पर कई स्थानों पर अंडरपास के काम चल रहे हैं और इसी कारण बार बार इसका काम रोक दिया जाता है या इसका संचालन बंद कर दिया जाता है। अब क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लेकर रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है। बीते दिनों जब सिंधिया अशोकनगर दौरे पर आए थे तो लोगों ने इस मांग को उनके सामने रखा था। उनका कहना था कि इस रेल यातायात के
सुचारू चलने के लिए वह प्रयास करें। इसके बाद रेल मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि इस खंड पर चलने वाली इस लाइन से या इस रेल से बहुत सारे लोगों को जुड़ाव है या उसका उपयोग करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग उपयोग कर सकें, इसलिए इसके संचालन को यथावत या निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए रेलवे प्रशासन व्यवस्था करे। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले एक वचन पत्र घोषणा पत्र के तौर पर जारी किया था। अपने वचन पत्र को पूरा करने के लिए सरकार के तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी और राजनेता जुट गए हैं। बीते दिनों सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा को एक पत्र लिखकर गाँव में गौशाला निर्माण के लिए भूमि आरक्षित करने के लिए पत्र लिखा है। सिंधिया ने अपने पत्र में कहा है कि सरकार ने वचन दिया है कि सभी गांवों में गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा और यह वचन जल्द से जल्द पूरा हो सके इसके लिए सबसे पहले भूमियों का आरक्षण किया जाना जरूरी है। सांसद सिंधिया ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि वह अपने स्थानीय स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को इसमें जल्द से जल्द लगाएं और कुछ ही महीनों में ये जगह आवंटित कर दें ताकि अशोकनगर जिले में बनने वाली गौशालाओं का काम सुचारू रूप से जल्द चालू किया जा सके। अशोकनगर के अभिभाषक संघ ने आज एक नवाचार किया है। अशोकनगर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जगत नारायण राजौरिया ने बताया कि अशोकनगर के जिला कोर्ट में उन सभी वरिष्ठ अभिभावकों को सम्मानित किया गया जो एक लंबी उम्र और आयु जीने के बाद आज भी कोर्ट में सक्रिय हैं और लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। अशोकनगर के जिला न्यायालय में करीब 90 वर्ष की उम्र तक काम करने वाले कई सारे वकील इस समय काम कर रहे हैं और ऐसे ही वकील जो लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं करीब 4-5 दशक से, उन सबको सम्मानित किया गया था। अशोकनगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में अशोकनगर के तमाम सारे न्यायाधीश एवं दूसरे लोग शामिल थे। जगत नारायण राजौरिया बताती हैं कि वो लोग जो लंबे समय से न्यायालय में वकील का तौर पर काम करते रहे हैं आज उनको अभिभाषक संघ के द्वारा सम्मानित किया गया है। करीब 10 से अधिक लोगों को इस दौरान सम्मानित किया गया, उन्हें साल 3 पल देकर सम्मान किया गया है।